छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। सदन में नए राज्यपाल का स्वागत होगा। 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 14 बैठकें प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के तौर पर 6 मार्च को प्रदेश का बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने बताया कि सत्र के दौरान 2 संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। कुल 1730 प्रश्न विधायकों ने लगाए, जिनमें से 1696 प्रश्न ऑनलाइन पूछे गए। सत्र के दौरान 23 शून्यकाल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया, विधानसभा की कार्यवाही के लिए एक ऐप बनाया गया, जिसमें बजट की पूरी कार्रवाई और बजट भाषण उपलब्ध होगा। इस ऐप की लॉन्चिंग 1 मार्च को की जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले इसे अंतिम सत्र को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह तैयार दिखते हैं। विपक्षी दल कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का मूड बना चुका है। चुनावी बजट है, इस वजह से सरकार कई सारी राहतें जनता को दे सकती है, इस बात की उम्मीद है। बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है, किस तरह की तैयारी बजट सत्र को लेकर है और इस बार ई बजट भी पेश करेंगे आप लोग, किस तरह की तैयारी? हमारे सचिवालय के लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ई बजट प्रस्तुत करने में एप्स की भी तैयारी हो रही है और सब आपको सुविधापूर्वक दिखा सके इसकी तैयारी चल रही है। ये विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर थे और उनका कहना है कि बहुत खूबसूरत ढंग से इस भवन को यहाँ पर तैयार किया गया, विधायकों और मंत्रियों के लिए सत्र को तैयार किया गया है। बजट सत्र है और संभवतः ये माना जा रहा है कि ये विधानसभा जो इस जो इनके अध्यक्षीय कार्यकाल का ये आखिरी बजट भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि विदाई सत्र भी यहाँ पर हो। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC24 रायपुर।